हेलो दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश के सभी युवा खुश तो बहुत होंगे क्योंकि कल रात को एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट घोषित हो चुका है। पर थोड़ा सा आप यहाँ पर ठहरिए क्योंकि इस रिजल्ट में बहुत सारी विसंगतियाँ, गलतियाँ, उसके बाद में यहाँ पर समस्याएं और चुनौतियाँ से भरा हुआ ये रिजल्ट है। तो हम ये रिजल्ट को थोड़ा सा हमारे परिप्रेक्ष्य से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं, बताते हैं आपको रिजल्ट में थोड़ी सी क्या विसंगतियां हैं। सबसे पहले आपने अपना जो 2019 का जो एडमिट कार्ड है, रोल नंबर है, अपने जो मार्क्स हैं वो सभी देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड करा दी है। दूसरी बात, आपका जो रिजल्ट आया है दो भागों में आया है, जिसमें एक को हम सेफ जोन कहेंगे, यानी ये जो कट ऑफ है ये सेफ जोन का है, सेफ जोन कहेंगे। दूसरे को हम कहेंगे प्रोविजनल जोन। प्रोविजनल जोन और सेफ जोन में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सेफ जोन, सेफ जोन में जो भी आए हैं उनका अंतिम चयन पर कोई रोक नहीं है, वो सारे मेंस प्रीलिम्स क्लियर करके अंतिम चयन वो ले लेंगे। बाकी जो प्रोविजनल जोन है ये हाई कोर्ट के जो नियमानुसार ही यहाँ पर से चीज़ें होंगी। ओबीसी को 27% दिया जाता है, 14% उसी के आधार पर ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। अगर 4 साल तक भी ये क्लियर नहीं होता है मुद्दा, तो 4 साल तक ये प्रोविजनल जोन ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे। जी, चाहे आपका मुख्य परीक्षा क्लियर हो, इंटरव्यू आपने दे दिया हो, ना तो आपके मार्क्स बताए जाएंगे, कुछ भी नहीं यहाँ पर होगा। तो इसका सिंपल सा यह है कि जो 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, सिंपल सा आपको पहले थोड़ा सा शुरू में ले चलते हैं, शुरू से जो प्रक्रिया है। 2019 का दोस्तों नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उसमें 2015 का भर्ती नियम ये कहता है कि ओबीसी को आप कितना दोगे, 14% दोगे। 14% के आधार पर आप यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाओगे। पर बीच में हुआ ये, सरकार हो गई चेंज, 2020 में ये नया नियम लेकर आए, 2020 में, यानी जो पहले से नियम चला आया था, यानी कि जिस आधार पर भर्तियां होना था उसमें यहाँ पर ये बीच में चेंजेस करते हैं प्रीलिम्स के कुछ 10 से 12 दिन पहले। तो उसमें ओबीसी को 27% यहाँ पर दे दिया जाता, बस यहीं से जो है पेच अड़ गया और यहीं से जो चीज़ें हैं वो पूरी, ये मान के चलिए कि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर रुक गई। तो तब से ही जितने भी युवा हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चीज़ें अपनी अपनी मांगों को लेकर, और अभी स्थितियाँ ये हैं कि इसमें ये मान के चलो कि 60 से ज़्यादा याचिका अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पर लग चुकी है और ये भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर ये अटकी हुई है, अभी तक भी ये अटकी हुई है, अभी भी क्लियर नहीं है। बीच का रास्ता यहाँ पर मध्यम मार्ग अपनाया जा रहा है, पर ये कितना कारगर है ये हम कह नहीं सकते अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीज़ें समझ लेते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये, हमने आपको 2019 का जो भर्ती नियम वो समझा दिया है, ठीक है। और देखिए, इसमें एक ही ये सॉल्यूशन हो सकता था कि आप 27% देना चाहते हैं तो आप उसको 2019 वाले में लागू ना करते हैं। आपने लागू कर दिया तो वो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर अटक गई। आप सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट में आप वहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट को क्या है अपनी जो याचिका है लगाना था, जब अगर वहाँ से आदेश मिल जाता है तो जो भी उस टाइम में, यानी उस समय में जो नई भर्ती आती उसमें आप वो चीज़ें लागू कर देते, बाकी 14% से आप चलने देते। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, वो किसी भी कैटेगरी के बंदे को नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि उनके वोट बैंक को खतरा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कट ऑफ आपने देख ही लिया होगा, यूआर का 154 प्रश्न गया है, उसके बाद में फीमेल कैटेगरी में 152 है, ओबीसी में आप देख लीजिए ओबीसी में 148 और 142 है। अब जो पूरा जो मामला है, पूरी जो चीज़ें हैं इस प्रोविजनल या प्रावर्धिक सूची को लेकर है जो कि अस्थायी तौर पर है, तो अनारक्षित पद 146 और यहाँ पर 144 ये फीमेल कैटेगरी में है, और जो ओबीसी है ओबीसी का यहाँ पर 140 है, यानी 70 प्रश्न और यहाँ पर 68 प्रश्न है, ये चीज़ें यहाँ पर है। तो अब दिक्कत यह है कि किसी भी हालत में जो यूआर से ज़्यादा कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी का नहीं जा सकता किसी भी हालत में। अब मान के चलिए आप, दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि अगर ओबीसी को अगर जो हाईकोर्ट है वो 14% देता है, 14% देता है, जबकि जो यूआर का जो कट ऑफ है कितना गया है, 146 ही रहेगा, ये तो 146 रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर इसमें 140 और 136 में जो लोग सिलेक्ट होंगे तो वो तो सीधे से यहाँ पर बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये 13-13% यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया गया है, तो 146 ही रहेगा। बाकी जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना हो जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ तो यही वाला गिनाएगा ना, यही वाला, ये 148 और 142 वाला, ये ओबीसी का कट ऑफ गिनाएगा। अब बताइए, ये पूरी जो प्रक्रिया है पूरी असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक क्यों है, इसका ये कारण है कि किसी भी हालत में
जो रिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है यूआर से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि यूआर में कौन लोग जाते हैं, यूआर में वो लोग जाते हैं कि जो मेरिट में आते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी है, एससी हो चाहे एसटी हो या ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो इन कैटेगरी के जो बंदे रहते हैं जो मेरिट में आते हैं, जो ज़्यादा अंक लेकर आते हैं, तो वो यूआर का मतलब ये होता है, ये अनारक्षित है, ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है, इसमें सभी कैटेगरी के बंदे आ सकते हैं जो भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी का यहाँ पर 148 ही जाएगा, और अगर ओबीसी को अगर 14% दिया जाता है तो, और ये यहाँ पर 146 ये किसका गया, यूआर का गया, प्रावर्धिक सूची वाले का। इन्होंने एक नियम इसमें यह भी करा है कि जो प्रावर्धिक सूची है इनका जो अंतिम जो वो होगा, यानी कि ये अंतिम चयन तक सेफ जोन में नहीं जा सकते, चाहे इन कैटेगरी में कोई भी बंदा टॉप ही क्यों ना कर ले। दूसरी बात ये है कि जो यूआर है इसमें केवल पूरे जनरल वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो एसटी एससी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बंदे इसमें नहीं हैं। अब क्यों नहीं है वो चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं। इसमें इसलिए नहीं है, अगर मान लो एससी का जो कट ऑफ है वो आप देखिए, यहाँ पर एससी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना गया है, एससी का कट ऑफ कितना गया है, 138%। अब जो एससी का बंदा है 138 क्वेश्चन या मार्क्स उसके आए हैं, और मान लो कि 146 एक बंदे के 146 आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 146 मार्क्स से भी तो आए होंगे, एससी में किसी बंदे को 146 मार्क्स आए होंगे, तो आप मान के चलो कि ये जो 146 मार्क्स हैं, तो आप उस बंदे को जो एससी का बंदा है, जो एससी कैटेगरी का बंदा है, 146 मार्क्स आए, तो आप उसे किधर काउंट कर रहे हो, प्रावधिक सूची में काउंट कर रहे हो या सेफ जोन में काउंट कर रहे हो? अगर मान लो कि आप उसे यहाँ पर प्रावधिक सूची में काउंट कर रहे हो, तो 138 वाला बंदा भी मेन से लिख रहा है, 146 वाला बंदा भी मेन से लिख रहा है, पर ये अस्थायी तौर पर चुना गया है, ये स्थायी तौर पर चुना गया है, यानी कि इसकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं और इसकी भर्ती प्रक्रिया पर बिल्कुल पूरी रोक है। ये अंतिम लास्ट तक मतलब इंतजार करता रहेगा जब तक वो कोर्ट केस सोल्व नहीं होगा तब तक। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी एससी एसटी या ओबीसी वाले बंदे को काउंट किया ही नहीं गया है, यहाँ पर सारे जनरल वाले हैं, तो ये चीज़ें तो वैसे ही असंवैधानिक है, क्योंकि ये जनरल की सीट नहीं है, ये यूआर की है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर सभी कैटेगरी के बंदे आ सकते हैं। तो ये 13% जो एक्स्ट्रा दिया है अभी, ये फिलहाल किसी को पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के बंदे को शामिल किया गया है, ठीक है? तो 146 मार्क्स लाकर भी वो बंदा के साथ तो अन्याय हो गया, एससी वाले बंदे के साथ तो अन्याय यहाँ पर सभी के साथ में है एक हिसाब से देखा जाए। तो ये तो देखिए, इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन था वो आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे, और चीज़ें समझा देते हैं। जो 87% है ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो 87% है उसके आधार पे ये लिस्ट बनाई है, यानी कि ये अलग कट ऑफ बनाया है, और बाकी 13% का नीचे बनाया है। तो इनका तो फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, प्रावर्धिक सूची का जो रिजल्ट है वो ब्लॉक रहेगा, कोर्ट का फैसला ना आए तब तक वो क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के विद्यार्थी यहाँ इंटरचेंज नहीं कर सकते, यहाँ जो भी आते हैं चाहे वो टॉपर हो कोई भी हो कैसा भी हो, वो यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकते, यानी कि ऊपर यानी वो टॉपर नहीं कहला सकते, क्योंकि इनका अंतिम समय तक ये कितने ही नंबर ला लें मुख्य परीक्षा में चाहे इंटरव्यू में, ये यहीं पर रहेंगे, यानी कि जो प्रोविजनल लिस्ट है इसी में ये रहेंगे। और एक मुद्दा अब ये भी है, आप मान के चलो कि यहाँ पर सीधा सा ओबीसी वालों के साथ भी अन्याय है एक हिसाब से, कैसा? क्योंकि अभी जो ईडब्ल्यूएस है इसका भी अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आपको ये वाला जो रिजल्ट है ईडब्ल्यूएस का, ये ईडब्ल्यूएस वालों का, तो ये वाला भी आपको होल्ड करके रखना था, पर आपने केवल यहाँ पर ओबीसी का होल्ड करके रखा है, तो ये भी एक तरीके से गलत है। और एक और बात करते हैं कि जैसे अभी कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है तो इसका कट ऑफ कम कैसे गया, तो इसका कट ऑफ कम जाने का एक कारण ये है कि जब 2019 का जब हुआ था तब बहुत कम लोगों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बने थे, तो इसलिए भी ये कारण हो सकता है कि इसमें कम छात्र हों और उनके जो मार्क्स हैं वो कम आए हों, तो वो इसीलिए उनका कट ऑफ कम गया हो। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हमसे समझाने में भी कुछ वो विसंगतियाँ हो सकती हैं, तो हमें जितना इस रिजल्ट को समझ पाए हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है। और देखिए अब आपको एक चीज और यहां पर बताते हैं कि यहां थोड़ा सा ये चीजें हैं कि ये जो टेबल है यहां पर इन्होंने चेंज नहीं किया गया है टेबल,
क्योंकि आप मान के चलो कि अभी इन्होंने यहाँ ओबीसी को 27% के हिसाब से यहाँ पर सीट अलॉट की हैं और यहाँ पर यूआर में आपका जो है 137 सीट यहाँ पर अलॉट की है, यानी यहाँ ज़्यादा है। अगर इस टेबल के हिसाब से देखा जाए तो 196 का यानी कि इन्होंने यहाँ पर कितने कैंडिडेट लिए हैं, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ओबीसी में जो हैं वो ज़्यादा हैं और यूआर में हैं वो थोड़े से यहाँ पर कम है। तो पदों के अनुसार अगर हम इनका 15-15 गुना या समान अंक करते हैं तो इसमें यूआर में ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 3004 और यहाँ पर 1715 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो 13-13% अभी होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ अगर उस पोस्ट के हिसाब से देखें या तो फिर वो टेबल गलत है या फिर इन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट लिए वो गलत है। तो सिंपल सी बात है, वो टेबल को इन्होंने ठीक से यहाँ पर टेबल को रिवाइज़ इन्होंने नहीं किया, रिजल्ट तो रिवाइज़ कर दिया शायद, ये टेबल रिवाइज़ करना यहाँ पर भूल गए। और या फिर कौन सी 13% इन, जैसे कि अब यहाँ पर जो 13-13% जो छात्र यहाँ पर लिए गए हैं तो ये 13-13% में कौन सी सीट है, यानी इनके लिए कितनी कितनी यहाँ पर सीटें हैं और ये 13% में कौन कौन सी जो पोस्ट हैं उनके लिए हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ये यहाँ पर हो गया है सीधा सा। यहाँ पर ये बात है कि जो प्रावधिक सूची है यहाँ पर यूआर में केवल यूआर ही कैंडिडेट, तो इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर गलत है। अब देखिए जिसे यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ नहीं पता है तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एमपीपीएससी इसमें दो तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, कुछ लोग यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सब नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये प्रोविजनल लिस्ट के हैं और ये ओबीसी के देख लीजिए आप, ये यहाँ पर ये सेफ जोन वाले बंदे हैं, ये इतने सारे जिनका जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं और ये प्रोविजनल वाले हैं। तो प्रोविजनल वालों के साथ या फिर यह प्रावधिक जो सूची है एक हिसाब से ये चीज़ें ये गलत ही हैं, ये तो आप चीज़ों को क्लियर करो या फिर 2019 में जो स्टार्टिंग में आपने नोटिफिकेशन निकाला था उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर करवाओ। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ें ये भी यहाँ आ रही है, जो दिव्यांगजन वालों की यहाँ पर जो सीटें हैं, ये यहाँ पर टोटल जो सीट हैं, टोटल सीटें इनकी कितनी हैं, यहाँ पर 25 सीटें हैं। तो उस हिसाब से अगर इनका यहाँ पर कुल यहाँ पर देखा जाए तो 375 यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होना था, इसका 15 गुना यदि किया जाए तो यहाँ इन्होंने कितने किए हैं, 343 यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर देखा जाए, जो ओएएच है तो ओएएच में जो पोस्ट है, पोस्ट कितनी है सात है और यहाँ पर चुना कितने को गया है, 76 लोगों को, जबकि 15 गुना अगर देखा जाए तो 105 यहाँ पर लोग होना था, क्योंकि बहुत से जो दिव्यांगजन हैं वो भी यहाँ पर पेपर देते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत है, पूरा उलट फेर है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर उसका पोस्ट का अगर 15 गुना नहीं हो रहे हैं तो 15 गुना छात्र का नहीं हो रहे हैं तो अतिरिक्त छात्र को आपको लेना होगा या उनका फिर और कट ऑफ यहाँ पर कम जाता है, अतिरिक्त छात्रों को आपको लेना पड़ता है, यानी कि पूरे 15 गुना आपको लेना ही पड़ता है हर एक पोस्ट के। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो कम ही रहे हों, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और आपको ये सब चीज़ें आपको हमने समझा दी हैं। अब देखिए इसमें जो अन्याय हो रहा है वो किन लोगों के साथ हो रहा है, देखिए लगभग आप मान के चलो कि 800 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दिए थे और पास भी किए थे, यानी कि वो पास थे मुख्य परीक्षा, तो वो यहाँ पर सीधे से बाहर हो रहे हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछली बार जो मुख्य परीक्षा दिए थे जो पास भी हो गए थे, तो वो अभी कुछ लोग उसमें से वो अभी प्रावधिक सूची में आ गए हैं, प्रावधिक सूची या फिर हम इसे प्रोविजनल सूची कहेंगे, प्रोविजनल या अस्थायी सूची में वो आ गए हैं। और बाकी के जो कुछ लोग तो यहाँ पर मेंस दिए वाले भी यहाँ पर बाहर हो गए, तो इनके साथ तो सीधा सा यहाँ पर अन्याय है। वैसे यहाँ पर लिख ही दिया था आयोग ने कि ये सब चीज़ें जो प्रक्रिया है ये गलत है। देखिए हाई कोर्ट में तो ये चीज़ें जानने वाले हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर या अलग अलग चीज़ों को लेकर, विवादों को लेकर हाई कोर्ट में ये वापस से पेंडिंग होगा, ये चीज़ें यहाँ पर प्रक्रिया कंप्लीट ये शायद ही हो पाए, क्योंकि देखिए जब तक मामला क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब जनरल की गर्ल्स का आप यहाँ पर बात करोगे तो जनरल की गर्ल्स का पहले 71% गया था और अभी गया है 72%। तो कुछ यहाँ पर ऐसी भी गर्ल्स हैं जिन्होंने 71% जिनके राइट थे और उन्होंने मुख्य परीक्षा क्लियर यहाँ पर किया था और साक्षात्कार के लिए वो चयनित हुए थे, पर वो अभी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बाहर ही हो गए हैं, क्यों, एक नंबर की वजह से। ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो होल्ड करके रखना चाहिए,
कि इन्हें यहाँ पर अभी कितना जैसे कि 10% देना है या नहीं देना है, ये चीज़ें हैं। बाकी वो सब प्रक्रिया बात की हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है, जो चीज़ें होंगी वो होने दो, जो जैसा होता है। अभी जिन जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है या जिनके रोल नंबर हैं जो सेफ जोन में हैं चाहे प्रावधिक सूची में, अपनी बढ़िया से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, मुख्य परीक्षा दीजिए। जो भी जिस भी प्रकार की चीज़ें रहेंगी तो आयोग यहाँ पर, आयोगी एक्शन यहाँ पर ले सकता है जो भी होगा। बाकी कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि हाई कोर्ट में भी यहाँ पर अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराएंगे, तो उन्हें कराने दीजिए। अगर उनके उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। बाकी आप अपनी क्या है तैयारी करते रहिए, जो भी डिसीजन है वो तो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुसार ही होगा। और ये चीज़ें हैं यहाँ पर, बस ये है कि यहाँ UR में आपने जैसे अलग अलग कैटेगरी के छात्र यहाँ पर नहीं हैं। अगर अलग अलग कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आयोग कहता है कि UR में हमने SC को भी लिया है, तो फिर आपने उसको जैसे कि 146 मार्क्स होने के बाद भी वो व्यक्ति प्रावधिक सूची में है और 138 मार्क्स वाला बंदा सेफ जोन में है, तो ये तो नियम तो फिर सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ज़्यादा अंक ला के भी आप मतलब अस्थायी तौर पर चुने गए हो तो ये तो चीज़ गलत है। उसका रिजल्ट होल्ड रहेगा और 138 वाला बंदा का मुख्य परीक्षा क्लियर होता है तो वो तो नियुक्ति मतलब कि उसकी तो अंतिम चयन ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ एक हिसाब से देखा जाए तो सभी कैटेगरी को नुकसान है, ना कि ये कोई मुद्दा जनरल वालों का है, ना OBC वालों का है, ना SC वालों का है, ना ST वालों का, ना EWS वालों का। नुकसान यहाँ पर सभी का है। अगर जब भी आपके नियम या फिर प्रक्रिया आपकी सही नहीं रहती है तो सभी का यहाँ पर नुकसान होता है। सिंपल सा है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आपने नोटिफिकेशन निकाला 2015 के नियम के अनुसार, आप बीच में कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आपने बीच में चेंज किया है तो वो चीज़ें क्लियर नहीं थी पहले से 27% वाली, क्योंकि उस पर तो पहले ही रोक लगी हुई थी। तो आप ये करते कि 27% का पहले मुद्दा सॉल्व करवा लेते, जब फिर नए समय में नई वैकेंसी आती अगर 27% मिल जाता तो आप वहाँ पर उस टाइम से लागू कर देते। बाकी आप यही तो चीज़ें रहती है, अगर मान लो अगर आज किसी व्यक्ति ने अपराध करा है, किसी व्यक्ति ने आज अपराध करा है और उस अपराध की जो सजा है वो अभी 2 साल है, अभी 2 साल है आज उसने करा, जबकि अब मान लो कि कोर्ट में ये चीज़ें चल रही हैं, अब मान लो कि अगले साल या फिर 4-5 साल बाद नियम चेंज होता है कि यही अपराध की सज़ा अब 5 साल होगी, तो अब बताइए इसने 2 साल पहले अपराध करा था, मतलब कि 5 साल पहले अपराध करा था तो उस टाइम पर उसे 2 साल की सज़ा यहाँ पर हुई थी। तो क्या पिछले अपराध के लिए अभी नया जो नियम चेंज हुआ है तो उसको अभी के अनुसार थोड़ी ना 5 साल के लिए जैसे कि सज़ा दी जा सकती है, उसको उस टाइम पर उस समय पर जो नियम था उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, ना कि अभी जो आपने नियम चेंज करा है, ठीक है? और फिर उसी अपराध की मान लो कि आप आगे 10 साल बाद ये कर देते हो कि उसको तो फांसी होगी, तो बताइए उसने अपराध करा था 10 साल पहले और उस टाइम उसको 2 साल की सज़ा सुनाई थी, आपने अभी नया नियम बनाया है आज से वो जो है वो लागू हुआ है, तो उसको आप अभी फिर फांसी थोड़ी ना दे सकते। ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब नियम जैसे नोटिफिकेशन के साथ निकाला जाता है उसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होती है, बीच में चेंजेस करना भी एक गलत चीज़ें हैं। तो ये है दोस्तों, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी अभी भी अटकी पड़ी है। बाकी आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको अभी 2021 का भी आपका रिजल्ट आने वाला है, 2020 में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर शायद हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर रिजल्ट जितना समझ में आया है वो हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करा है, और आप सभी भी समझदार हैं, सारी चीज़ें जानते हैं क्या चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, क्या नीतियाँ हैं, क्या रणनीतियाँ हैं, तो यही है। और दोस्तों, आप जो नेयू है, नेयू के जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो भी आप नेयू फॉर इंडिया सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हो, तो आपकी जो हक की आवाज़ है वही लोग उठा रहे हैं, हमें उनके साथ रहना है। अगर अपने साथ अन्याय होता है तो कोई भी जो पार्टी है या विपक्ष है हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, व्यापम का हो, MPPSC का हो, चाहे संविदा का हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, तो हमें सबको एक साथ रहना है, सारी चीज़ें वहीं से हम अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आप निराश ना होइए, जिनका भी यहाँ पर रोल नंबर आया है तो वो अपनी मुख्य परीक्षा की बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए, और हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ हम जो इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर नोट्स वगैरह रहेंगे 2019 के, तो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, और आगे कुछ प्रक्रिया ऐसी मतलब कि हमारी रहेगी कि कुछ हम सीरीज यहाँ पर चलाएं, तो वो भी आपको यहाँ पर सूचित कर देंगे।